आप लोगों का ज्ञापन मिला है इसको 20 तारीख को जाने का, 21 तारीख को मुख्यमंत्री जी से चर्चा करूँगा। अगर आप 21 तारीख को शाम तक आपसे टेलीफोन पर बात करेंगे तो क्या चर्चा हुई बता दीजिए। विधानसभा में महोदय जी अच्छे निवेदन लगे हैं, काफ़ी लगे हैं, लग चुके हैं, कुछ बातें भी हुई हैं, उससे व्यक्तिगत रूप से ही बात करूँगा, है ना। सब विधानसभा प्रश्न लगने का समय बीत गया है ना, शुरू में लगता है कई दिन पहले, तो उसको माननीय हमारी बात सुन तो नहीं रहे, 28 दिन हो गए मामा जी सुन नहीं रहे हैं, एक महीना हो गया, ऐसा नहीं है आपकी बात सुन जा रही है, ऐसा है आपको चाहिए। ये तो बाप के सामने चार लड़के हैं, चारों लड़कों को किसी का जूता पता है, किसी का पैंट पता है, किसी का शर्ट पता है, किसी को किताब लेनी है, प्राथमिकताएँ तय करता है, चल रहा है विचार आप लोगों पर। माननीय महोदय जी निवेदन ये बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे प्रथम बात यह है कि घोषणा पत्र में 9 और 11 में लिखा हुआ था संविदा कर्मियों का, नियमित कर्मियों का, तो आज तक नहीं हुआ, 2013 की बात है। और संस्कार गार्डन में ऊर्जा मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी ने घोषणा किया था, उसका टेप आपके पास अभी भेज दूं, अभी दिखा दो, वो नियमित करने के लिए संकल्प लिए थे। इस तरह झूठा आश्वासन क्यों देते हैं माननीय मुख्यमंत्री के? जिस दिन सिंगरौली जिला बनाए उस दिन यही परिवार हवाई पट्टी में बोले अभी कहो दस्तखत कर दे, उनकी दस्तखत दिखा दे मेरे पास है, बोले हम करेंगे रेगुलर। तो इस तरह हम लोगों को झूठी दिलासा, झूठी घोषणा क्यों करते हैं? हम लोग निवेदन करते हैं माननीय सर।